मर्जी है तेरी फिक्र में तरमीम कर न कर, मर्जी है तेरी फिक्र में तरमीम कर न कर, सुल्ताने अक्लो इश्क को तस्लीम कर न कर। मस्जिद में देख ले जरा दोषे रसूल पर, फिर तू मेरे हुसैन की ताजीम कर न कर, फिर तू मेरे हुसैन की ताजीम कर न कर। दोस्तों, आप समाप्त कर रहे थे जनाब अमीर हसन आमिर साहब को, और अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ, मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से कि जो एक वक्त खतीब, शायर, अदीब, ये सारी चीज़ें एक शख्स में जमा होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब इस दर से इशारा हो जाए तो यह तमाम चीज़ें जब एक जगह जमा होकर के सामने आती हैं, तो आज उसे डॉक्टर अब्बास सरदार नैयर जिलानपुरी के नाम से पहचाना। साहब ने फरमाया था वो सुबह की नमाज और सूरज के निकलने के बीच का वक्त है कि जिस वक्त रात भर के बेचैन बीमार को सुकून मिल जाता है, रात भर के जागे हुए को नींद आ जाती है, ये जन्नत का वक्त है, इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तो यकीनी तौर पे पूरी रात इबादत करने के बाद, मदे मोहम्मद व आले मोहम्मद की इबादत में मसरूफ़ रहने के बाद, ये वक्त दुआओं का है, बेहतरीन अशआर समाअत करने का है। ये हमारी खुश नसीबी डॉक्टर अब्बास सरदार नैयर साहब माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात पूरी कुव्वत के साथ मिलजुल कर बाबा से बुलंद नारे सलवा से इस्तकबाल फरमाएं। नारे सलवा। हजरात एक नारा मैं भी लगाना चाहता हूँ, मगर चाहूंगा कि आखिरी मजमे सब पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, ये सांसें सदका हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के, ये सांसें कुर्बान हो जाए। दुआ कीजिए कि माबूद, दुआ में दुआ ये है कि आखिरी सांस मुझे अगर तूने अता की है तो नाम अली के साथ, नाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ उठाना, पूरी कुव्वत के साथ मिलजुल कर ऐसा महसूस हो कि यकीनी तौर पर यह इहतमाम किया गया था और ये परवाने मोहम्मद व आले मोहम्मद के जमा होकर के अपने अकाली को याद कर रहे हैं। नारे औलादें यहाँ किस तरह आ जाएं, अज़ाखाने में पाकीज़ा नसब के लोग आते हैं।